इंटरव्यू पढ़िए जिन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, बार बार बनाए हैं। अगर कोई इंडेक्स एक साल में 50 बार हाई बनाता है, ये वो हम बार बार कहते हैं कि रूस का जो पोल वॉल्ट एथलीट था सर्गेई बुब का, जिसने लगातार एक के बाद अपने ही रिकॉर्ड को कई बार तोड़ा, ये उस तरह का मामला है। मतलब 50 बार हाई बनाना ये ताकत है, S&P की मजबूती है। मतलब आप एक दो बार हाई बनाते हैं, फिसल जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से वापस आते हैं हाई पे हाई, चार चार पांच पांच दिन तक लगातार हाई बनाए, पर ये मजाक की बात नहीं। सी अल्टीमेटली निवेशक चाहे अमेरिका का हो चाहे भारत का हो, सबका पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप कितने ही पैसे वाले हैं, 2000 की नोट अगर आपकी जमीन पे गिर जाएगी, आपके पॉकेट में से निकल गए, तो आप ऐसा नहीं आगे बढ़ जाएंगे कि मैं झुक के उठाऊं तो 2000 रुपए मेरे, इतना समय कौन बर्बाद करे, मेरे लिए उतनी वर्थ नहीं है। वो गिरेगी तो आप उठाएंगे। हर एक इन्वेस्टर के लिए हर एक पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यहाँ का इन्वेस्टर हो चाहे वहां का इन्वेस्टर हो। और जब वहां के इन्वेस्टर इतने कॉन्फिडेंस के साथ लगातार पैसा लगा रहे हैं और वहां के बाजार हाई पर हाई बना रहे हैं, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ग्लोबली, और दूसरी तरफ आप देखिए वहां का जो रसेल 2000 मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, स्मॉल कैप शेयरों का जो इंडेक्स है, वहां पर जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी हुई है, मतलब एक बार ऐसा लगा कि वो भी कहीं करेक्शन मूड में चला जाए 8-10%, 9-10% गिरने के बाद, लेकिन वहां से भी पिछले 3-4 दिनों से ब्रॉड बेस रैली होती दिख रही है। तो पिछले 3-4 दिनों में लाइफ हाई बनने की इंपॉर्टेंस तो है ही कि S&P और NASDAQ दोनों बना रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीप इस बात की है कि ब्रॉड बेस रैली होती दिख रही है। ऐसा कब देखने को मिलता है कि तीनों ही इंडेक्स एक साथ भागे, चारों ही इंडेक्स एक साथ भागे और ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखे। और इसीलिए आज से कल का सेशन हमारे यहाँ क्वालिटी वाइज सबसे बढ़िया था, क्योंकि कल के इंडेक्स में वो कल के सेशन में वो सारे सेक्टर्स चले, वो सारे इंडेक्स चले जो पीछे थे, चाहे वो मेटल हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे मिड कैप हो और चाहे स्मॉल कैप हो। तो क्वालिटी वाइज जो कल की रैली आपको मिली और कल की जो तेजी मिली वो सबसे बेहतरीन।